मुन्ना शुक्ला हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अधिकार यात्रा के लिए उन्होंने जेल से रंगदारी मांगकर नीतीश की पेशानी पर बल डाल दिया। ऐसे में नीतीश ने कहा कि उन पर कार्रवाई होगी। पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा कि मुन्ना शुक्ला से कोई मतलब पार्टी को नहीं है, लेकिन अब वही नेता मुन्ना शुक्ला को सामाजिक कार्यकर्ता करार दे रहे हैं। उनके फोटो के नीचे में क्या लिखा हुआ है? नहीं, क्या लिखा हुआ है? नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता लिखा हुआ है। ये अनु शुक्ला का सामाजिक कार्यकर्ता? नहीं, उनका नहीं। जिनके बयान की चर्चा सर्वेश जी कर रहे थे, जिनके फोटो की चर्चा कर रहे थे, उनके नीचे क्या लिखा हुआ है? पदनाम क्या है उसमें? पदनाम क्या है भाई? हम कह रहे हैं कि ये आप उसको पार्टी से जोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं में अपना पदनाम दिया है, पदनाम में अपने आप को दूसरे रूप में चिन्हित किया है। अब एक हत्यारे को सामाजिक कार्यकर्ता करार देने पर विपक्ष कैसे चुप रहे? विपक्ष ने इसे सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान का जेडीयू का नया फॉर्मूला करार देते हुए कहा है कि भगवान बचाए समाज के ऐसे पहलुओं को। नया परिभाषा परिभाषित करने का काम जेडीयू ने किया है कि जितने अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारा, दलाल, ठेकेदार, पटदार, ये लोग अगर सामाजिक कार्यकर्ता है जेडीयू के परिभाषा में, तो भगवान ही बचाएगा इस। पूरे बिहार में अधिकार रैली को लेकर लगाए गए बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, अमरेंद्र पांडे, सुनील पांडे, हुलास पांडे और अन्य के भी पोस्टर शामिल हैं और तमाम बाहुबलियों के पोस्टर शामिल हैं। अब रैली में ऐसे लोगों के सहयोग पर सरकार में शामिल बीजेपी के नेता कहते हैं कि समाज इसे देख रहा है और सबको पता है कि रैलियों में पैसों और बाहुबल का खेल होता है, जो ठीक नहीं है। कह रहा हूं कि समाज इसे देख रहा है और ये चुनाव से लेकर के चाहे जदयू की रैली हो, चाहे किसी की रैली हो, पैसे का महत्व बढ़ गया है और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अब उचित नहीं। बात चाहे जो भी हो, मुन्ना शुक्ला को सामाजिक कार्यकर्ता करार देकर जेडीयू ने बड़ी बहस छेड़ दी है। शायद सामाजिक कार्यकर्ता भी इसे पचा ना पाए। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सर्वेश कुमार सिंह, आर्यन न्यूज़, पटना।